हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए आईआरसीटीसी वो शेयर है जिसने पिछले एक महीने के अंदर आपके पैसे को 3 गुना करके आपको रिटर्न दिया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो फिर से जाइए अक्टूबर 14 की वो तारीख जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। अभी तो नवंबर 13 ही हुआ है, अभी नवंबर 14 भी नहीं हुआ है, और आज की डेट में आईआरसीटी का Q2 का रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट देख के मैं ये कहूँगा कि चौंकना मत। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने लिस्टिंग डेट के दिन ही ये शेयर को बेच दिया था और दुगना रिटर्न लेके, लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इसको होल्ड करके रखा तो उनको मिला 3 गुना रिटर्न। लेकिन अब Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं, आगे की स्ट्रेटजी यहीं से ड्राइव होगी कि क्या कुछ होगा आगे इस स्टॉक में, क्या और भी अच्छा जम पाएगा या फिर यहीं पे इसकी कहानी रुक जाएगी। तो देखते हैं Q2 के नतीजे, साथ में देखते हैं इसके बारे में थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा फंडामेंटल। आज जो है बड़ी हलचल देखने को मिली है, उसको भी जानते हैं छोटे से वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। सीधे लेके चलता हूं मैं आपको IRCTC। अक्टूबर 14 की वो डेट जब IRCTC लिस्ट हुआ था सबको याद होगी, और उन लोगों को तो ये डेट बिल्कुल ही याद होगी जिनको ये IPO अलॉट हुआ था। 315-320 के आसपास का प्राइस रखा गया था, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को 10 रुपये का डिस्काउंट था तो उनको 10 रुपये का और फ़ायदा मिला। तो सीधे सीधे ये मान के चलिए 12,400 रुपये का जो लॉट था वो आज की डेट में 3 गुना होकर 36,000 के पार पहुंच चुका है। IRCTC की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, प्राइवेट ट्रेन चल रही है, तेजस एक्सप्रेस चल रही है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता बढ़ता 15,000 करोड़ हो चुका है। देखिए भाई, 0 डेट की कंपनी है, कोई उधार नहीं है कंपनी के ऊपर, बढ़िया सेल्स ग्रोथ, बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ इसका है। लेकिन आज जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसको देखें, अगर अभी के टाइम फ्रेम में मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखूं तो 43% का रिटर्न ऑन इक्विटी 27% के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग सरकार ने कुछ ही परसेंट शेयर जो है वो निकाले हैं, बाकी 87.4740% होल्डिंग जो है वो सरकार की है। आज जो रिजल्ट आया है वो अभी 7 बजे ये रिजल्ट आया है, तो लेटेस्ट रिजल्ट आपके लिए लेके आया हूँ। तो इस रिजल्ट को देखिए, समझिए और आगे की स्ट्रैटेजी जो है वो तय कीजिए इस रिजल्ट को देखने के बाद। फिर से रिपीट कर दूं, आज की डेट 13 नवंबर 2019 है और ये रिजल्ट 7:15 बजे के आसपास अपलोड हुआ है BSE की वेबसाइट में, जो मैं आपको देख के बता पा रहा हूँ। तो और ये जो रिजल्ट आया है उस पर एक नज़र फोकस करते हैं, कैसा ये रिजल्ट रहा है। जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आए चीज़ें, क्योंकि IRCTC पे बहुत लोग इंतजार कर रहे थे इसके रिजल्ट का। तो टोटल रिवेन्यू से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे सारे नंबर्स जो हैं वो लैक्स में है, इस बात को फिर से ध्यान दें। पिछले साल जो नंबर यानी कि सितंबर में 964 करोड़ का रिवेन्यू था टोटल, इस बार 1011 करोड़ हो गया है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि रिवेन्यू कितना बड़ा, 11 प्लस यहाँ पे आप ये मान के चलिए 36 यानी कि 47-48 करोड़ के आसपास के रिवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा मैं अगर धीरे धीरे करके आता हूँ एक्सपेंसेस में आता हूँ, तो एक्सपेंसेस में मुझे देखने को मिल रहा 746 करोड़ का एक्सपेंस हुआ, जो पिछली बार 734 करोड़ का था। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं, फिर हम देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब मैं सीधे लेके चलता हूँ आपको, थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ, और आप ये देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जिस तरीके से आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 266 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है, जो कि पहले 230 करोड़ का था, यानी कि सीधे सीधे 36 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जंप देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन बात है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो देख पा रहा हूँ वो 172 करोड़ का है, लास्ट ईयर ये 150 करोड़ का था। तो सीधे सीधे आप ये देख पा रहे हो कि 22 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी जंप है, बहुत ही बढ़िया मैं कहूँगा इसको, 22 करोड़ का जंप जो देखने को मिल रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में। ऑल दो अगर आप एवरेज देखा जाए तो एवरेज प्रॉफिट 3 साल का जो है 13% है, उससे कहीं बेहतर ये देखने को मिल रहा है, ये नंबर देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड देखूँ तो ये मुझे 170 करोड़ की देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर 9.44 रुपये से बढ़ के 10.76 रुपये तक चला गया, और इस शेयर को खरीदने के पीछे लोगों का एक ही रीजन था, क्योंकि इस कंपनी की मोनोपोली है, इस कंपनी का मोट है। तो इसलिए लोगों ने इसको, इवन जब ये IPO में लिस्ट हो गया था, जिन लोगों को लिस्टिंग के टाइम पे नहीं मिला उन लोगों ने इसको बाद में खरीद के रखा है, ये ध्यान देने वाली बात है। लोगों ने इसको खूब खरीद के रखा है बाद में भी। इस स्टॉक में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, और वो चीज़ है
छोटे शेयर होल्डर कितने हैं जिन्होंने IRCTC का शेयर खरीद के रखा। ये लेटेस्ट शेयर होल्डिंग इसका पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है, BSE की वेबसाइट पे आप देख सकते हो। देखिए 1,75,940 शेयर होल्डर छोटे शेयर होल्डर है BSE पे, जो मुझे देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे, इतने शेयर होल्डर छोटे छोटे हैं जिन्होंने 2 लाख के से कम की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रखी है। तो ये आप नंबर अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त, ये IRCTC का नंबर की मैं बात करूँ, फिलहाल जो रिजल्ट आज आपने देखा बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट तो मैं नहीं कहूँगा इसको, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बढ़िया रिजल्ट है। अब स्टॉक को जिसने भी खरीदा है वो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से खरीदा है, और हर कोई जानता है IRCTC की जो मोनोपोली है वो इसको अभी नहीं लेकिन लॉन्ग रन में अच्छा खासा पैसा कमा के देगी, इसीलिए लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और होल्डिंग भी किया। और आज की डेट का अगर कारोबार देखा जाए तो देखिए आज की डेट में ये शेयर 980 का इसने हाई बनाया, सुबह के टाइम पे रिजल्ट के चक्कर में काफ़ी खरीद परोस इसमें हुई और बहुत ज़बरदस्त हाई बना, लेकिन ट्रेडिंग हुई इसमें डिलीवरी नहीं हुई है। अब ऐसा रिजल्ट देख के क्या इन्वेस्टर के मन में रहेगा वो आपको कल पता लगेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट में उछाल है वो मात्र 20 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट में उछाल है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन मुझे तो यही उम्मीद थी, इससे ज़्यादा तो क्या ही उम्मीद हम IRCTC से लगाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि अचानक एक क्वार्टर में आके लिस्टिंग हो गया तो सारा प्रॉफिट दिखा देगा, कमाई तो उसी हिसाब से हो रही है जो पहले की थी। और अगर आपने आपकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अचानक ही आपको डबल प्रॉफिट दिखा देगा तो फिर ये एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए इस छोटे से शेयर से। मार्केट में नया ज़रूर है लेकिन आने वाले टाइम पर आप इसमें एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि हाँ भाई अच्छा प्रॉफिट धीरे धीरे करके कमा के देगा। फिलहाल प्रॉफिटेबल कंपनी है, ऐसा है प्रॉफिट दिखाया है, वही एक बहुत ही बढ़िया बात है। जैसे कि मैं कह रहा था आज की डेट का बहुत ही बड़ा जंप, एक टाइम पे 980 के लेवल तक ये चला गया था जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नंबर है। अभी मैं आपको टेक्निकल पे लेके जाऊंगा तो आपको आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि क्या कुछ इसमें चल रहा है। ये देखिए आप ये छोटे टाइम फ्रेम पर, अगर जैसे ये डेली टाइम फ्रेम है इसको मैं आपको कर देता हूँ 2 आवर के टाइम फ्रेम पर, अब आप देखें इसको समझें जिस तरीके से मार्केट ने फर्स्ट डे जंप दिया था और उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद लगातार जंप आया, लगातार जंप आने के बाद अभी लास्ट का जो ये अभी 1 बजे वाला टाइम था आज की डेट में, तब इस स्टॉक ने 980 के आसपास के हाई से एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली आज, मतलब खूब प्रॉफिट बुकिंग हुई है। पहली बार आप देखिए 2 आवर की ये कैंडल है, इतनी बड़ी कैंडल मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ जब से ये मार्केट में लिस्ट हुआ है, तब से लेके आज तक फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी कैंडल देखने को मिली है। इवन जो उसके बाद वाली लास्ट घंटे की कैंडल भी थी वो कैंडल भी लाल देखने को मिल रही है। अब रिजल्ट का इम्पैक्ट जो है वो हमको कल पता चलेगा, कल सुबह मार्केट ओपन होते ही देखने को मिलेगा इन्वेस्टर क्या इस प्रॉफिट से खुश है या नहीं है। फिलहाल हम यहाँ पे कुछ अपडेट नहीं कर सकते लेकिन प्रॉफिट आपको 20 करोड़ ऊपर देखने को मिल रहा है। इवन ऐसा नहीं है कि टैक्स की वजह से कुछ हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर का रिएक्शन कल शुरू के 5 से 10 मिनट में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए रिजल्ट तो अच्छा है लेकिन यहाँ पे अगर जो इन्वेस्टर इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड किए हुए थे या फिर रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे तो वो अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो लोग निकलने के भी सोचेंगे, लेकिन जो लोग निकलने के सोचेंगे उसके साथ साथ बहुत लोग ऐसा है जो नए मार्केट में यहाँ पे एंट्री मारने की भी सोचेंगे। फिलहाल अगर मैं देखूँ, अगर मैं दोनों कंडीशन पे यहाँ पे बात करता हूँ, अगर जंप आता है तो डेफिनेटली बड़ा जंप आएगा, लेकिन अगर गिरावट आती है तो यहाँ पे आपको सपोर्ट इसका 874 के लेवल का सपोर्ट जो है वो रेडी है। अब ये 877 के लेवल का सपोर्ट कैसे कह रहे हैं हम, देखिए पुरानी टाइम के अगर आप सीधे लाइंस को देखें तो 874 875 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इसको मिल सकता है IRCTC को शेयर को, इस चीज़ को आपने ध्यान देना है। आज का बड़ा उछाल देखा, आज का आपने प्रॉफिट देखा, फिर से रिपीट करूंगा जो ये रिजल्ट आया है वो अभी 7 बजे के आसपास रिजल्ट आया है। अगर मैं इसके सेगमेंट वाइज रिजल्ट को देखूं तो आप इसको देखें और समझें, केटरिंग बिजनेस का जो जंप है ये पिछले साल के हाफ ईयर में ये ऑलमोस्ट 80 करोड़ का था जो कि इस बार 60 करोड़ है। रेल नीर जो आप कहते हो वो 20 करोड़ से 21 करोड़ तक चला गया, लेकिन जो टिकटिंग बिजनेस है वो 62 करोड़ से सीधे जंप करके 146 करोड़ गया, जो कि काफ़ी पॉजिटिव बात है। टूरिज्म का 8 करोड़ से ऑलमोस्ट कमी आई है इसमें, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है टिकटिंग बिजनेस को, जिसमें बड़ा जंप देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यही इसका मेन कोर सेक्टर है ये मान के चलिए। बहुत बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पे IRCTC के टिकटिंग बिजनेस ने दिया स्पेशली, इसलिए ये आपको अपडेट कर रहा हूँ मैं फिलहाल। तो ये अपडेट था IRCTC का रिजल्ट जिसने आपके पैसे को ऑलरेडी 3 गुना कर
कर दिया, आज आप इसका प्रॉफिट देखा किस तरीके से प्रॉफिट कमाया। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपके पास IRCTC का शेयर है तो कमेंट के थ्रू जरूर कीजिए, IPO में अलॉट हुआ था, कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। और चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि खाली आपके पास ही IRCTC का शेयर नहीं है, आपके दोस्तों के पास भी है, तो उनको भी बताइए कि भाई ये रिजल्ट आया है आज की डेट में IRCTC का। एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।